क्या हो गया? कराई ना बेस्ती, कराई बेस्ती, हाथ पैर बांधो, ये देखो, हाँ, ये थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं लगा ना आज ये कुछ हेल्पर से आशीर्वाद Assalamualaikum, welcome to yet another Rashi Daily Vlogs. एक्साइज हो चुकी है लेकिन एक्साइज के वक्त ये मोहतरमा जाग चुकी हैं और सारे टॉयज उठा के नीचे फेंके थे, आई पर उठा के यहाँ बैठी हुई है, मुझे बहुत तंग करने की कोशिश की लेकिन हम भी ढीठ आदमी हैं। एक्सरसाइज बहुत लाजमी है करना, इसलिए अगर आप लोगों ने सारा दिन फिट गुजारना है तो फिर आपने एटलीस्ट सुबह के 10-15 मिनट एक्सरसाइज के निकालने। मैं तकरीबन एक साल से एक्सरसाइज छोड़ी हुई थी, मतलब न करने जैसे एक्सरसाइज कर रहा था, कोई 5 मिनट की एक्सरसाइज कर रहा था, मैं कोई 7 मिनट की एक्सरसाइज करता था लेकिन करता ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए टमी निकल रही है मेरी। ये मसला सिर्फ टमी का नहीं है, आपकी सेहत का है, खुदा ना खास्ता कोई माजूरी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हॉस्पिटल्स के मुँह देखने पड़े। आजकल तो कोविड का दौर चल रहा है, हॉस्पिटल से बेड नहीं मिल रहे हैं। वाओ, अनुशीला फेवरेट है। हाँ शब्दी का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई लव यू शब्दी का जो शेर, आई लव यू, वेरी गुड। हाँ चाचे बेबी बाबा, वाओ। हाँ भाई, तो कोविड की वजह से मत मारी गई है, घर में काम ढूंढते हैं, कुछ ऐसा काम है जैसे टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ आइसक्रीम। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हैदराबाद की वेसिनिटी में कोई सराउंडिंग में कोई ऐसा फार्म हाउस हो, कोई ऐसा स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे जाके एक कंप्लीट व्लॉग बनाया जाए। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई गांव है, ऐसा कोई स्पॉट है जहाँ पे हम आके व्लॉग बनाएं आप ही के अपने गांव में, तो फिर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अपनी पूरी टीम के साथ, आशी डेली व्लॉग्स की पूरी टीम के साथ हम आएँगे आपके अपने गाँव में और एक भरपूर इंटरटेनमेंट से भरा व्लॉग बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा खाना कम करना शुरू किया, एक्सरसाइज स्टार्ट किया, वेट बहुत बढ़ गया। तो अब आप देखें मेरा नाश्ता, ये दो पापे हैं और पानी बहुत ज़्यादा पीना है और साथ में एक कप चाय का, ये मतलब मेरा अब नाश्ता हो जाएगा। अब मैं कोई टफ डाइट पे जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि जहाँ पर मैं 4 चपातियाँ खाता हूँ वहाँ पर मैं 2 चपातियाँ कर दूँगा। अगर मैं भर के बिरयानी की प्लेट खाता हूँ तो वहाँ पर मैं आधी बिरयानी की प्लेट खाऊंगा, और अगर मैं 6 पिज़्ज़ा के पीस खाता हूं तो वहां पर मैं 2 पिज़्ज़ा के पीस खाऊंगा। वेल, डाइट वही होगी लेकिन इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा खाने को। बस चाय एंजॉय करते हैं, चाय और पापे और मेरी कामयाबी का राज, लेकिन सबसे पहले पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई लोग, तो नाश्ता है, चाय और पापे, और अब जब मैं वेट रिड्यूस कर लूँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, फिट हो जाऊँगा और स्मार्ट हो जाऊंगा, तो फिर मैं फ़ख्र से बोलूंगा मेरी खूबसूरती का राज चाय और पापे। टिंग टोंग। अब भाई ये देख रहा है, वाह देख रहा है, वाह कैसा जबरदस्त, मतलब अब हमने यहाँ चलना है। अच्छा कब? आज नहीं, ठंडा आ जा। मैंने कहा अब भी इसे चड्डा उठा लूं। नहीं नहीं भाई, तो जब तक ये खा, ये जो खा रहा है ना तू, यार ये बीज आपने बड़े कमाल के बनाए आशी भाई, है ना यार, ये तो कारोबार शुरू कर दो, है ना।
वैसे स्कूल वैसे ही वाला क्या सर है, ये कारोबार शुरू कर दो। ये बीज खाने से तेरे होंठ नहीं फटेंगे, जो बाजार वाले बीज है उस पर नमक बहुत ज्यादा होता है, उससे होंठ फट जाते हैं। ये बीज तू दबा के खा, होंठ गया तेरे हर चीज महफूज रहेगी, कुछ भी नहीं फटेगा। मतलब चारों तरफ पैक पैक है? वैसे सील पैक है तो बचपन से माशाल्लाह, वो तो मैं हूँ। ये हमारा मुनाफ भाई उस्ताद, मुनाफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मेहनत है। लेकिन ये क्या मसला है, रोज वाडा तेरे पास खड़ा हुआ है। अरे यार गाली खिलवा रहा है, कल इसको काम करवा रहा है या काम उतरवा रहा है? उतरवा रहा हूँ यार काम अपना। माना एक दिन वो आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा। नहीं सर, जिस दिन वो नहीं आ रहा उस दिन आप चले जाओ उसके पास। ये भी है, ये इसने पत्ते की बात की है। तू सब उस बातों को छोड़, मैं तुझे एक पत्ते की बात बताऊं। हाँ भाई, रात को मैं सो रहा था और बना बड़ी शदीद नींद, बना वो नहीं होता एक कुत्ते वाली नींद आती पड़ा हुआ मुंह खोल कर। इसने इखलाक ने मुझे फोन किया रात को 2 बजे। अच्छा। न कोई एहसास किया कि यार ये शादीशुदा आदमी है, कोई बीवी का मसला होगा, बच्चों का मसला होगा। क्या भाई ने 2 बजे फोन करके मुझे कहता है कि अबे मैंने कहा क्या हो गया यार, खैर तो है, पागल हो गया है, सदमे में क्या हो गया? कह लगा कि यार आशी भाई तुमने तो मुझे मशहूर कर दिया। अच्छा। मैंने कहा मैंने क्या किया ऐसा, ये तो बता दे। वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा मैं शाहरुख खान हूँ, लोग यार मुझे इतना पसंद करते हैं। यार पूरे कमेंट मैंने भी पढ़े यार। यार लेकिन यार मैंने बड़ी बात है यार, मुझे तो पहले पता नहीं था ना, मेरी बेटी ने कमेंट पढ़ा है, मैंने कहा वाह वाह अखलाक भाई ये है, अखलाक भाई वो है, अखलाक पढ़ने पड़ेंगे। 165 कमेंट खाली आपने करवाया यार, क्या हम गद्दी क्या इधर यार, शादीशुदा बंदा पता नहीं उल्टा सोया हुआ है सीधा सोया हुआ है, तू टाइम देख के फिर फोन किया कर यार। शादीशुदा हम भी हैं, तू तो है उस टाइम में, तू तो फारिग होगा है? तुझे क्या पता ये फारिग है, सो रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है, ब्रश कर रहा है, क्या कर रहा है? इतनी जल्दी मैं फारिग नहीं होता हूँ। ये माना ऐसे सो है क्योंकि बड़ा मुशीर नामा तो बड़ा मुंशी लिखता है ना, ऐसे जो खाली सिग्नेचर करता है। ये तो सिर्फ सिग्नेचर करता है, मजे तो कोई और ले रहा है। क्या आज भी परेशान हो? अबे भाई परेशान नहीं हूँ यार, वो जो चूजा था ना हमारे पास, मतलब चूजा है, अल्लाह उसको जिंदगी दे यार। अच्छा। अल्लाह लंबी उम्र दे उसको, तो वो जो चूजा है उसके लिए हमें कुछ सामान लेने है, बेचारा छोटा सा है ना काका सा। अच्छा। तो उसके लिए कुछ सामान लेना है, शॉपिंग करनी है उसकी आज यार, नए कपड़े लेंगे, नए चड्डी बनियान अंडरवेयर। कुरान खानी करवाओ, सारे परिंदे बुलवाओ कुरान खानी पे, हर चीज अल्लाह की जो मखलूक अल्लाह ने पैदा की है वो सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो देख क्या सीन है, जाऊ ये आवाज रिकॉर्ड करे, मुझे इसकी आवाज बड़ी पसंद है। जब भी ये ट्रेन गुजरते इस पटड़ी के नीचे से मैं आपकी खड़ा हो जाता हूँ, आवाज अजीब। यार गलत बात कर रहा है। कहाँ जा रहे हो आशी भाई? यार ये सामने देखा ना स्टोर माल। हाँ बस पैसे 2 मिनट में गया। हाँ। और 2 मिनट में आया। क्या लेने जा रहे हो? यार वो अपना एक तेल है वो लेना यार। देख फिर गलत बात की इसने। अबे तेल है वो खाने वाला जो ऑयल होता है यार, ऑयल बोल दो ना। अब ऑयल अगर मैं इंग्लिश में ऑयल बोलूंगा तो तू बोलेगा ऑयल सही है। अभी इतने भी ख्याल नहीं है हम यार, कुकिंग ऑयल। हाँ कुकिंग ऑयल बोल दो। ऑयल लेने जा रहा हूँ, उर्दू में बोलूंगा तेल तो उनको चुपती है बात। आशी भाई कह रहा है भाई मैं दर्जी के पास कपड़े ले गया, उसने कहा भाई इसमें से 6 इंच कपड़ा कम है। हाँ यार 6 इंच कपड़ा क्यों कम है? बोला भाई वो अभी आजकल पता नहीं है आपको, सूट के साथ मास्क भी लाजमी है। मास्क का कपड़ा आप नहीं लेकर आए।
जल्दी मार।